अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप लोग ने हमारी पहली वीडियो देखी थी वो बेबी के बारे में थी, तो ये भी वीडियो बेबी के बारे में है, नेम रिवील है उसका। तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलते हैं। अभी कुछ मैं आपको सामान दिखाती हूँ, मैंने हम लोगों ने इसके लिए क्या सामान लिया। ये भाभी हमारी तैयार हो गई, और वो जो एक और है एक वो अभी तक तैयार नहीं हुई, उसको बहुत टाइम हो गई, उसको एक दो घंटे से तैयार हो रही है वो। सबसे पहले मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ, मैं आपको सामान दिखा। झूठ, सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ। अच्छा, ये सबसे लेट गई थी मैं तैयार। और बेबी के ये लिए क्यूट हमारी सारी चीजें बेबी के लिए। और दिस इज हेयर जिक्रा, शी इज रेडी, शी इज लुकिंग प्रीटी एज वेल एज आई एम लुकिंग। सो अभी हम आपको दोबारा मिलते हैं, मैं जा रही हूँ शूज पहनने। थैंक यू। और ये सब बैठे हैं हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे आपके घर, फिर हम बताएंगे कि सीन क्या है, नाम क्या है, एंड देन वी विल रिवील द नेम। और ये है कराची का ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा होता है हमेशा की तरह, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई सा भी डे हो, बट कराची के लोग कभी नहीं रुकने वाले, हमेशा ही। जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाने लगती हूँ, कोई पिक्चर लगाने लगती हूँ, मेरा मोबाइल ही होता है, और गाड़ी होने लगी। ये लगी हुई है यहाँ पर बुद्ध बाजार। 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। और ये दोनों मुस्कान को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मुस्कान के ऊपर आके बैठ गए। ये देखना, इनको देखना बस। तुझे जीत भाई। ये रहा हमारा राजा बेटा, ये इधर है। घर की हालत बड़ी खराब हुई हुई है। ये माशाल्लाह, आज इन्होंने येलो माशाल्लाह। पान का कोई सिस्टम है यहाँ पर, यहाँ सारे पानी खा रहे हैं। मुन्ना भी खाएगा ना? मुन्ना खाओ, खिलाओ जरा मुन्ना को। आप खा रही हैं? इकरा नहीं खाती हैं पान। नो, आप ही खा रही हैं, उंगलियाँ चाट रही हैं। मुन्ना भी खा चुका है पान। ये अब मुन्ना पान खाएगा। या अब ये इसको पहनाया जा रहा है, कलाई बंद कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक मोती, ताकि नजर ना लगे, ताकि जो भूजी को नजर ना लगे। ये भाभी हमारी, आपको पता ही होगा, ये हमारे पहले ब्लॉग में थी, अभी भी और हमेशा ही रहेंगी। और ये मुस्कान है, मैं तो मरते दम तक और ये रिमशा है, इनकी मिरर सेल्फी हो रही है, मेरी मिरर सेल्फी, इनकी मिरर सेल्फी चल रही है। हम मुझे तो आप देख ही सकते हैं। ओके, और मम्मा और आप ही बस काम कर रही हैं। ये इसकी परदादी हैं जो कि इसको अंगूठी पहनाते हुए, तो ये वैसे तो मुसलमान, मतलब हमारे यहाँ होता है कि मतलब मुसलमान लड़कों को अंगूठी सोना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये तो रस्म है। ये पाकिस्तानियों की एक रस्म है जिसमें ये दिया जाता है, एक थाल में मछली, अंडे, सब्जियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से, फिर सारे मिलकर जो घर वाले हैं वो खाते हैं, सिर्फ लड़कियाँ खा सकती हैं, लड़के नहीं खाते। अब ये हो रहा है बच्चे का, अब नाम लिखेंगे इसके बाबा, ये इनके बाबा हैं इनके साथ, और बराबर में इनकी मम्मा हैं, और उसके बराबर में हैं उनके दादा। तो अब इनका नाम सब सोचे जा रहे हैं कि अब क्या नाम, बहुत सारों ने नाम बताया अलग अलग, डिफरेंट। अब जिनके बाबा ने जो नाम रखा है वही रखा जाएगा, तो अब ये नाम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, क्या नाम है, ये हमें खुद भी नहीं पता है। इसके बाबा ने हमें अब तक बताया भी नहीं है कि क्या नाम रखने वाले, उन्होंने कहा जब लिखेंगे तभी पता चल जाएगा। तो अब ये हाथ पकड़ कर शुरू करेंगे इसका नाम के क्या है। ओके ओके, माशाल्लाह से कितना क्यूट लग रहा है,
और कपल भी बहुत क्यूट है इनका। अल्लाह इन्हें हमेशा 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 सलामत रखे, लंबी हो जिंदगी दे। तो ये हो गया स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ओके ओके ओके, तो ये देखें, चलो जल्दी से पकड़ लो कलम पकड़ो। चलो बेटे स्टार्ट। क्या नाम है? नींद आ रही है हमेशा की तरह, पूरे टाइम सोता रहता है पूरे टाइम, और रात में बस जागता है और हर वक्त नींद आती है। ओके सैयद, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद अरीश दानियाल। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। इसके मीनिंग है जन्नत का में एक घर, अरीश की मीनिंग है जन्नत में एक घर। ओके बहुत प्यारा नाम है। हाँ जी, तो नाम हमने रख लिया है और नाम है अरीश। और अब बारी है काजल लगाने की। ये रस्म है जो रस्म करती हैं पुप्पो, तो भी हम देखेंगे। और पुप्पो को पैसे भी मिलते भाई, हमें कुछ नहीं मिल रहा। चले देखते हैं पुप्पो कैसे करती हैं रस्म। देखो भाई, आंखें खोल ली हैं इसने, इसकी आंखें पूरी येलो हो रही हैं। इन्हें इसे ये येलो कपड़ा भी पहनाया गया है। ये बैठे हैं नन्ना के पास और ये इनकी मम्मा, इन्होंने भी येलो पहना है। इनके बाबा ने भी पहले येलो पहना है और इन्होंने भी येलो ही कपड़े पहने। कैसे लग रहा है ये? ये मुन्ना और क्या लग रहा है? जान लग रहा है मेरे। और ये कुछ भी नहीं, खत्म खत्म, इसका पत्ता कट गया। अब ये आ गया, अभी सबका पत्ता कट गया, सुन रहे हो सब? चार हैं जो मेरे जान। आप किस किस की नानी बन गई है, नाम बता दें। नानी दादी क्या बनी? हाँ वाह माशाल्लाह। गाइस तो इकरा को इनसिक्योरिटी हो रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो तुम मोबाइल पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये रही मुस्कान, मुंह बनाकर बैठी है। ये देखे, नहीं नहीं आप वैसे ही अपने मुंह में हाथ रखें, इनको नींद आ रही थी बहुत गंदी वाली। अच्छी लग रही बिल्कुल भी, इमशा बहुत बुरी लग रही। कौन करा रहा है कपड़े चेंज? करवाजी अब ये अपने फुप्पो से काजल लगाते हुए, इनकी दो फुप्पो हैं, ये बड़ी फुप्पो हैं और ये दूसरी छोटी फुप्पो हैं, दोनों फुप्पो से काजल लगाते हुए। ये रस्म है कि फुप्पो जो हैं वो काजल लगाती हैं। और फिर इस रस्म के मिलते हैं फुप्पो को कुछ पैसे, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, हम खाना है हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो गलत बात हो गई, बट फिर भी चलो अच्छी बात है फुप्पो लोगों को मिला। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, जाके हम आ गए हैं घर। ये व्लॉग होता है अभी यहाँ ख़त्म, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग और नींद आंखों में पता चल रही होगी। ये देखो इनके चेहरे, देखो बड़ी नींद आ रही है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, वो भी बेबी के लिए ये अगला व्लॉग, पर वो उस व्लॉग में बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सिस्टर कॉम्बो को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।